हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे दर्पण सूत्र। तो आज हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो ये जो है 1/v + 1/u = 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र है, यानी कि मिरर फॉर्मूला। तो ये आया कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसे हम लोग पोल कहते हैं। ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक वस्तु है, कोई भी वस्तु ए बी एक वस्तु है। लाइट रे यहां जाता है, ये फोकस हो के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ए बी वस्तु है, तो ये मिरर से वस्तु की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा फोकस है, यहाँ यहाँ के लेंथ को तो हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और जैसे इसका प्रतिबिंब, जैसे कि इसका प्रतिबिंब जो बना, ए डैश और बी डैश, इसका जो प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब का जो दूरी है ना यहाँ से, इसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f, ये आपका दर्पण फॉर्मूला होता है। फिर हम लोग इसके आगे जानते हैं कि आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है। आवर्धन, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। जैसे इसका जो भी ऊंचाई होगा, समझिए इसका h डैश इसका हाइट है, इतना बड़ा है, और इसका हाइट हो गया आपका h, देन h डैश बटा h, ये जो प्रतिबिंब तथा बिंब की जो ऊंचाई हुई उसके अनुपात को हम लोग आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा अनुपात, प्रतिबिंब तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा m = h/h। इसका एक और फॉर्मूला होता है v/u। तो यहां से देखेंगे जो ये जो आपका डिस्टेंस है v/u, इन दोनों के रेशियो को भी हम लोग आवर्धन ही कहते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन। तो ये आपका हो गया आवर्धन का फॉर्मूला, और ये आपका हो गया दर्पण का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। गाइस, तो आप इसे नोट कर ले, ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ये आपका आवर्धन सूत्र और ये दर्पण सूत्र। इसके बाद है हमारे पास कुछ एग्जांपल, उसको हम लोग अभी देखेंगे कि एग्जांपल क्या बोल रहा है। गाइस, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपका गिवन क्या है, रेडियस = 3 मीटर एंड बस की जो दूरी है वो आईने से यानी दर्पण से 5 मीटर है, और दर्पण जो है आपका उत्तल दर्पण है।
गिवन क्या है, आर इक्वल टू आपका 3 मीटर है और आपका हमारा एग्जांपल में दिया हुआ है गिवन दैट कि रेडियस इक्वल टू आपका 3 मीटर और यू यानी कि वस्तु जो बस है वो आपका आईने से दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे है। तो ये आपका उत्तल दर्पण दिया हुआ है, एग्जांपल में आपका उत्तल दर्पण दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण इस प्रकार होता है, तो ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र की दूरी कितनी दी हुई है, वक्रता त्रिज्या वो आपका 3 मीटर दिया हुआ है। और फिर उसके बाद तो फोकस इसका आधा होता है, तो फोकस आपका क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 3/2। तो एफ इक्वल टू हम लोग कर लेंगे 3/2 मीटर। फिर यहाँ पे देखेंगे जो बस है, जैसे कि ये इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा लेंथ जो है वो 3 मीटर है, तो बस तो जाहिर सी बात है 5 मीटर तो इतना दूर होगा। जैसे कि अब हम लोग ले लेते हैं ये बस है आपका बस, तो इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, ये कहां फोकस होके जाएगा। प्रतिबिंब जो बन रहा है ये बस जो है तो ये आपका प्रतिबिंब बना बस का। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब जो बन रहा है बस का वो फोकस के अंदर है, बस ओरिजिनल जो बस है उसे छोटा है और काल्पनिक है और सीधा है, दर्पण के पीछे बन रहा है यानी काल्पनिक और सीधा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अब दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। तो हम लोग को यहाँ पे v मिला हुआ, v नहीं है, और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस, u का वैल्यू क्या आपका -5 मीटर। -5 इसको इसलिए लिए क्योंकि दर्पण के इधर साइड में जो भी पोल के लेफ्ट साइड में रहता है नेगेटिव होता है, पोल के राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो 1/-5 = focus 1/3/2। तो यहां पे आपका हो जाएगा 1/ ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 और ये 5 उधर जाएगा 1/5, तो प्लस में आ जाएगा 1/5। तो ये आपका हो जाएगा 3/5। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या कि दर्पण का सॉरी प्रतिबिंब का साइज। तो m इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, आवर्धन -b/u। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है 15/13 और u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है आपका -5 मीटर। तो -5 मीटर तो ये आपका हो जाएगा -15/13 × -5। तो ये आपका हो जाएगा 3/13, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.23। तो m इक्वल टू आपका हो जा रहा है 0.23 और v का वैल्यू हो जा रहा है आपका 1.15 मीटर। तो हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज देखते हैं। प्रकृति क्या हो जाएगा आपका, काल्पनिक और सीधा। स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, दर्पण के पीछे, और उसके बाद हो जाएगा आपका साइज। साइज क्या होगा 0.23 है, तो साइज आपका क्या होगा, जाहिर सी बात है कि छोटा वस्तु से।
छोटा, कितना गुना छोटा हो जाता है आपका, तो 0.23 गुना ज्यादा। इस प्रकार हमने देखा कि एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल नंबर 10.1। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 10.2। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 10.2। इसमें कह रहा है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एग्जाम्पल 10.2। गिवन क्या है आपका, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड आपका दिया हुआ है यू इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। थर्ड आपका दिया हुआ है फोकस इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। और भी इक्वल टू आपका क्वेश्चन, इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका देखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र, देखेंगे क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो पुट करते जाएंगे तो 1/v + 1/u 1/-25 = 1/-15। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/-15 + 1/25। तो आपका 1/v इक्वल टू हो जाएगा 75। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 75 आएगा, 15 से काटेंगे इसको, 5 और में जाएगा, ये आपका 5 होगा। इसके बाद 25 से 3 बार में जाएगा, ये आपका 3 होगा। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपका -2/75। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 75/-2। v इक्वल टू आपका हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मिल गया 37.5 सेंटीमीटर। बी इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन, क्योंकि हम लोग को चाहिए ना साइज कि कितना बड़ा या छोटा है। एम इक्वल टू हो जाएगा आपका -d/u। तो बी कितना है आपका 37 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/2 भाई आपका u कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। v क्योंकि माइनस में था तो हम लोग इसको माइनस में लेंगे, और फिर आपका हो जाएगा 75/50। तो ये चला जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 यानी 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु से ये 1.5 गुना बड़ा है। और फिर इसके बाद हम लोग हाइट देखेंगे, तो m इक्वल टू होता है आपका h/h। तो m हम लोग को दिया हुआ 1.5, h' क्या दिया हुआ आपका हाइट, ये हम लोग को पता नहीं है, और हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर माइनस में r इक्वल टू h'। तो प्रतिबिंब का हाइट हो गया -6 सेंटीमीटर। तो फिर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे h' जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि वो जो प्रतिबिंब जो बना आपका ये पोल होता है उससे नीचे बना है, तभी ना h' नेगेटिव में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे बना है प्रतिबिंब और उल्टा है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा। सेकेंड आपका हो जाएगा साइज, साइज आपका हो जाएगा h' देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब का जो हाइट है वो हम लोग का 4 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है
वस्तु से 1.5 गुना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा कितना गुना बड़ा, तो 1.5 टाइम्स बड़ा। इस प्रकार हमने देखा कि एग्जांपल, दो एग्जांपल थे उसको देखा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ये बहुत ही इजी है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि ये आपका कोई मीडियम है, ठीक है, ये आपका कोई मीडियम है इंटरफेस माध्यम, और ये लाइट रे से आया। जब ये लाइट रे किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो थोड़ा सा बैंड कर जाता है, जैसे इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो ये बैंड कर गया। तो ये जो बैंड करता है ना, यानी टेढ़ा हो जाता है, इसका दिशा में जो चेंज आता है, यानी कि इसका डायरेक्शन में जो चेंज आता है, उसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे, पहले हम लोग एक इमेजिन करते हैं, ये आपका क्या हो गया नॉर्मल। तो ये जो आपका एंगल होगा, फिर से हम लोग इसे आई से डिनोट करेंगे, आई से हम लोग आर से डिनोट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपतित किरण अपवर्तित किरण। अभिलंब और यहां पे हो गया आपका, ये आपका हो गया सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जहां प्रकाश का लाइट थोड़ा कंपेयरली स्लो हो जाता है, और ये विरल माध्यम। सपोज कि ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया एयर, एयर में प्रकाश का लाइट थोड़ा फास्ट होता है, ये समझिए कि कांच हो गया शीशा, जिसमें प्रकाश का लाइट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन फिर क्या होगा, इसका डेफिनेशन अब हम लोग लिखेंगे, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब इसकी गति की दिशा में जो परिवर्तन आता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब इसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है, इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे किरण आ रही है, उसका थोड़ा सा बैंड हो जा रहा है, जो ये जो फिनोमेना है, इसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका दो लॉ है, इस लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।